तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप Redmi Note 12 Pro Plus 5G मोबाइल में बैक बटन को कैसे चेंज कर सकते हो। तो सिंपल सा तरीका है, आपको बैक बटन को चेंज करना है तो सबसे पहले सेटिंग में जाएंगे। तो यहाँ पर मैं सेटिंग को ओपन कर लेता हूँ। जैसे आप सेटिंग को ओपन कर लोगे तो यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाना है स्क्रॉल करते हुए, और यहाँ पर देखोगे तो एक ऑप्शन मिल जाएगा एडिशनल सेटिंग। तो आपको एडिशनल सेटिंग पे, सॉरी गाइज, आपको ऊपर ही एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर देखिए होम स्क्रीन पे जाना होगा आपको। और इस पर क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे स्क्रॉल करते हुए, और यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा सिस्टम नेविगेशन। देख पा रहे हो सिस्टम नेविगेशन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अगर आपको बैक बटन को चेंज करना है तो सिंपल सा तरीका है, यहाँ पर मिरर बटन लिखा हुआ है, इसको डिसेबल कर देना है। इसको डिसेबल करते ही देखिए आपकी बैक बटन उस तरफ आ गई है, और इसको इनेबल करोगे तो ये इस तरफ आ गई। तो जिस तरफ भी आपको रखना है उसको आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो, बस आपकी बैक बटन जो है वो चेंज हो जाएगी।